हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्लूरिपोटेंट। आई होप आप लोग सब लोग नोट्स बना रहे होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आ रखे हैं कुछ रिडॉक्स रिएक्शन के ऊपर, कि हाउ टू आइडेंटिफाई ए रिडॉक्स रिएक्शन, वो सारी चीजें हम देखेंगे। इसके अलावा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, इन सबके ऊपर भी जो क्वेश्चन है कुछ वो देखेंगे। सो द टॉपिक फॉर द टूडे इज टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। सो टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बेसिकली वी हैव, देखो रिडॉक्स रिएक्शन बेसिक लेक्चर से देखी रखा है हमने, तो बेसिकली वी हैव फोर टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। चार टाइप रिडॉक्स रिएक्शन होती है, कौन कौन सी होती है? फर्स्ट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, सेकेंड इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट में भी फिर दो टाइप की रिएक्शन हो जाती है, एक होती है मेटल डिस्प्लेसमेंट और एक होती है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में दो टाइप हो गए। इसके अलावा जो फोर्थ वन होती है, फोर्थ वन इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। सो बेसिकली हमारे पास ये चार टाइप्स की रिडॉक्स रिएक्शन होती है, डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। एक एक करके देखते हैं क्या क्या ये होती है विद दिस एग्जाम्पल्स। तो द फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन का मतलब तो पता ही है आपको, डिकम्पोज होना, टूट जाना। तो जहां पर कोई एक सब्सटेंस ब्रेक हो रहा हो, ब्रेक होके दो अलग अलग सब्सटेंस बन रहे हो, दैट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, दिस रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकडाउन ऑफ ए कंपाउंड टू गिव डिफरेंट कंपाउंड। एक कंपाउंड ब्रेक होता है और फिर वो बहुत सारे कंपाउंड देता है। लाइक वी हैव सोडियम हाइड्राइड ब्रेक इन टू एन ए एंड एच टू। अब तो क्या रिडॉक्स है या नहीं रिडॉक्स है कैसे चेक करते हैं? उसके ऑक्सीडेशन नंबर दो, सोडियम प्लस वन में और हाइड्राइड में, हाइड्रोजन किसमें होता है? माइनस वन में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बताया हुआ था। तो सोडियम प्लस वन से जीरो में जा रहा है, ये दोनों जीरो जीरो में है, तो प्लस वन से जीरो में क्या हो रहा है? रिडक्शन। और माइनस वन से जीरो में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो यहां पर एक तरफ ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, एक तरफ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो इट इज रिडॉक्स रिएक्शन। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दिस इज द फर्स्ट वन। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, अगर मेरे पास H2O है और H2O का हम करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, तो इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद क्या क्या मिलता है हमें? वी विल गेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब देखो यहां पर ऑक्सीजन माइनस टू में और हाइड्रोजन प्लस वन में है, तो हाइड्रोजन यहां जीरो में, ऑक्सीजन भी यहां जीरो में, तो प्लस वन से जीरो क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो रिडक्शन। माइनस टू से जीरो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन। तो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस भी क्या है? एक प्रकार का डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसके अलावा थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं, लाइक वी हैव Ag2O, इसको हम हीट कर रहे हैं, देन इट प्रोड्यूस Ag एंड O2। यहां पर सिल्वर प्लस वन की स्टेट में है, ऑक्सीजन ऑक्साइड की फॉर्म में, माइनस टू की फॉर्म में, और यहां पर दोनों जीरो जीरो की फॉर्म में है, तो वन से जीरो क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो रिडक्शन। माइनस टू से जीरो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो ऑक्सीडेशन। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जहां पर एक सब्सटेंस टूट रहा है और टूट के क्या हो रहा है? इसको भी हीट कर रहे हैं और टूट के क्या हो रहा है? वो अलग अलग चीजें बना रहा है और वो एक रिडॉक्स रिएक्शन बन जा रही है। तो क्या हमेशा ऐसा होगा कि सब्सटेंस टूट रहा है और उसके बाद एक रिडॉक्स रिएक्शन बन जा रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। जैसे दो एग्जाम्पल देखते हैं हम, जहां पर डीकम्पोजिशन हो रहा है बट इट इज नॉट ए रिडॉक्स। लाइक CaCO3 है, गिव्स आउट CaO+CO2 इसको हीट करने पे। इसके अलावा Na2CO3 है, इसको अगर हम हीट करेंगे इट गिव Na2O+CO2। तो यहां पर कैल्शियम जो है प्लस टू की स्टेट में है और कार्बन यहां पर प्लस फोर की स्टेट में है। कैल्शियम यहां पर ही प्लस टू की स्टेट में है और कार्बन यहां पर भी प्लस फोर की स्टेट में है, तो ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो इट इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन। सोडियम प्लस वन की फॉर्म में है, कार्बन प्लस फोर की फॉर्म में है, यहां पर भी सोडियम प्लस वन की फॉर्म में है, कार्बन प्लस फोर की फॉर्म में है, तो इट इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन। तो हर डीकम्पोजिशन रिएक्शन रिडॉक्स ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट टाइप डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकंड देखेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है वो डीकम्पोजिशन का उल्टा होता है। डीकम्पोजिशन में क्या होता है? एक चीज टूट रहा होता है दो में, और कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है? दो चीजें कंबाइन करके एक चीज बना रही होती है। तो अगर मैं इसका डेफिनेशन देखूं, तो डेफिनेशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड टू फॉर्म ए सिंगल कंपाउंड। दो कंपाउंड कंबाइन करते हैं, कंबाइन करके क्या बनाएंगे? एक सिंगल कंपाउंड बनाएंगे। लाइक अगर मैं इसका एग्जांपल देख लूं, तो एग्जांपल इज H2 प्लस
सीएल टू गिव्स आउट टू एच सी एल. यहां पर ये दोनों जीरो जीरो की फॉर्म में, हाइड्रोजन यहां प्लस वन की फॉर्म में है, क्लोरीन यहां माइनस वन की फॉर्म में है. तो जीरो से कहां जा रहा है, प्लस वन में जा रहा है, क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, और जीरो से माइनस वन में जा रहा है, क्या हो रहा है रिडक्शन. तो इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन. इसके अलावा एफ ई प्लस थ्री ओ टू गिव्स आउट एफ ई टू ओ थ्री. बैलेंस कर लें, यहां फोर लगा दें, यहां पर टू लगा दें, और यहां पर थ्री है ये. तो हो गया ये हमारे पास. देखो यहां पर ये जीरो में है, ये जीरो में है. यहां पर आयरन जो है, ऑक्सीजन तो माइनस टू में है, और आयरन थ्री डी सिक्स प्लस थ्री की स्टेट में है. तो जीरो से थ्री क्या हो रहा है, जीरो से थ्री इज बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, और जीरो से माइनस टू क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इट इज रिडक्शन. तो ये एग्जाम्पल है मेरे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन का. तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि दो अलग अलग चीजें मिलते हैं, मिलकर बनाते हैं वो एक कंपाउंड जहां पर रिडॉक्स इन्वॉल्व होता है. थर्ड टाइप इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि एक एटम जो है वो दूसरे एटम को डिस्प्लेस कर देता है रिएक्शन में. ठीक है, ये दो टाइप का हो सकता है. फर्स्ट वन इज द मेटल डिस्प्लेसमेंट. तो मेटल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं. में क्या होता है, ए मेटल प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज डिस्प्लेस बाय अदर मेटल. एक मेटल जो कंपाउंड में प्रेजेंट है उसको दूसरा मेटल क्या कर देता है, जो ज्यादा रिएक्टिव होता है उसको डिस्प्लेस कर देता है. लाइक अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल विल बी लाइक मेरे पास अगर कॉपर सल्फेट है, इसको मैं ट्रीट करता हूं जिंक के साथ, देन इट फॉर्म जिंक सल्फेट और कॉपर वहां से डिस्प्लेस हो जाएगा. तो कॉपर यहां प्लस टू में था, कहां चलाया जीरो में. जिंक यहां जीरो में था, कहां चलाया प्लस टू में. तो जीरो से प्लस टू से जीरो क्या हो रहा है रिडक्शन, और जीरो से प्लस टू क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन. तो ये मेटल डिस्प्लेसमेंट, यहां पर एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर रहा होता है. सो दिस इज अबाउट द मेटल डिस्प्लेसमेंट. द फोर्थ वन इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. सो डिस्प्रोपोर्शनेशन में क्या होता है, ए सिंगल कंपाउंड इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली. यहां पर एक ही कंपाउंड ऑक्सीडाइज भी हो रहा होता है और एक ही कंपाउंड रिड्यूस भी हो रहा होता है. अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो इट इज P4 बेसिक मीडियम में इट गेट कन्वर्टेड टू NaH2 PO2 और ये PH3 में कन्वर्ट हो जाता है. तो दिस इज एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. यहां पर जो फास्फोरस है जीरो की स्टेट में और एक तरफ ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक तरफ रिड्यूस हो रहा है. तो दिस इज एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. तो टोटल ये हमारे पास चार टाइप की रिडॉक्स रिएक्शन होती है. एक एक करके हमने सबके एग्जांपल देख लिए और उसके डेफिनेशन देख ली कि व्हाट आर द टाइप्स. नेक्स्ट देखने वाले हम ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट. बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है इससे. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट. देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो पता ही है आपको, ऑक्सीडेशन इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ये एजेंट होते हैं, क्या काम करते हैं. देखो तो सबसे पहले हम लिखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन. सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, दोज कंपाउंड विच अंडरगो रिडक्शन एंड कैरी आउट ऑक्सीडेशन टू अदर. जो खुद रिड्यूस होते हैं और दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं वो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. देखो एजेंट कौन होता है, जो दूसरों के लिए काम करता है. अब दूसरों के लिए काम करेगा तो दूसरों के लिए क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा दूसरों को. जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा खुद क्या हो रहा होगा, खुद रिड्यूस हो रहा होगा. तो जो खुद को रिड्यूस करे और दूसरों को ऑक्सीडाइज करे तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिंपल सा समझते हैं, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर दे, और रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरों को रिड्यूस कर दे. एजेंट दूसरों के लिए काम करते हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करेगा. दूसरा वर्ड याद रखना इसमें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट. उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. सो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं दोज कंपाउंड विच अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड कैरी आउट रिडक्शन टू अदर. रिड्यूसिंग एजेंट है, दूसरों को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, और खुद क्या हो जाएगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा. तो जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, दूसरों को रिड्यूस करते हैं, वो होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट. तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं. लाइक वी हैव Cr2O7 minus plus Cl minus gives out Cr3 plus Cl2. इसमें बताना है हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है. देखो सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, ये प्लस सिक्स में है, प्लस सिक्स से थ्री में जा रहा है, और ये माइनस वन है, माइनस वन से जीरो में जा रहा है, तो माइनस वन से जीरो में. अब देखो क्लोरीन जो है,
प्लस सिक्स से थ्री में जा रहा है, खुद क्या हो रहा है, खुद हो रहा है ये रिड्यूस, खुद हो रहा है रिड्यूस, तो दूसरों को क्या करेगा ऑक्सीडाइज, तो इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो हमारे पास Cl Cr2O7 माइनस है क्या है, इट इज बिहेविंग एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेकेंड वाला देखो Cl ये क्या है, सिंगल माइनस की स्टेट में है, सिंगल माइनस से कहां जा रहा है, जीरो में हो रहा है, क्या हो रहा है यहां से यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, मीन Cl क्या हो रहा है, खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो अगर खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो दूसरों को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, तो इट इज रिड्यूसिंग एजेंट। अभी जो डेफिनेशन दिखाई आपको, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं, जो खुद को रिड्यूस करते हैं और दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं, जो दूसरे को रिड्यूस कर देते हैं खुद को ऑक्सीडाइज कर लेते हैं। बहुत सिंपल सा है, एजेंट क्या होगा जो दूसरों को कुछ करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा दूसरों को रिड्यूस करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। तो अगर कोई दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद को क्या करेगा, रिड्यूस, और अगर कोई दूसरों को रिड्यूस कर रहा है तो खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। जैसे क्वेश्चन देखा यहां पर जो सीआर है वो प्लस सिक्स से प्लस थ्री में जा रहा है, तो खुद क्या हो रहा है, वो खुद हो रहा है वो रिड्यूस, तो दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, तो क्या होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इसके अलावा जो क्लोरीन है वो सीएल माइनस से सीएल टू में जा रहा है, तो खुद क्या हो रहा है वो ऑक्सीडाइज, तो अगर खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरों को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। सिंपल सा लगे हाँ, तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। लाइक वी हैव एमएनओ फोर माइनस प्लस सी टू ओ फोर टू माइनस गिव्स आउट एमएनओ प्लस सीओ टू। देखो यहां पर प्लस सेवन में है मैग्नीज, प्लस सेवन से कहां जा रहा है, प्लस टू में जा रहा है, सात से दो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो यहां पर रिडक्शन हो रहा है, तो अगर कोई चीज खुद रिड्यूस हो रही है तो दूसरों को क्या करेगी, ऑक्सीडाइज करेगी, तो MnO4 ये क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके अलावा यहां पर ये कार्बन थ्री में है और यहां जा रहा है फोर में, तो खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो अगर खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है दूसरों को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, और दूसरों को रिड्यूस करेगा तो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, MnO4 माइनस, रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ, C2O4 2 माइनस। तो दो क्वेश्चन हो गए, तीसरा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप लोग खुद करना और कमेंट सेक्शन में आंसर करना। वी हैव H2O3 2 माइनस प्लस I2 गिव्स आउट I माइनस प्लस S4O6 2 माइनस। इसमें बताओ कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप आंसर करना, विच वन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड विच वन इज रिड्यूसिंग एजेंट। देखेंगे अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमारे पास पांच इक्वेशन दे रखी है, हमें बताना है इसमें से कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन है। तो देखो रिडॉक्स रिएक्शन चेक करने के लिए क्या करते हैं हम, कि उसके ऑक्सीडेशन नंबर दो कंपाउंड्स के, कि ऑक्सीडेशन नंबर कितने कितने हैं, वहां से हम इजिली पता लगा सकते हैं कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन सा रिड्यूस हो रहा है। तो यहां पर कॉपर जो है प्लस टू में है, आयोडीन माइनस वन में है। यहां पर कॉपर का निकालोगे स्टेट तो कॉपर का हो जाएगी 2x और आयोडीन माइनस टू होता है इक्वल टू जीरो, तो कॉपर यहां पर प्लस वन की स्टेट में है। यहां से कैलकुलेट करोगे तो कॉपर जो है प्लस वन आएगा। इसके अलावा आयोडीन यहां पर जीरो में है, तो देखो कॉपर जो है प्लस टू से प्लस वन क्या हो रहा है, रिडक्शन, और माइनस वन से जीरो में क्या हो रहा है यहां पर, ऑक्सीडेशन। तो आंसर पहला वाला ही हो गया, बाकी में आप चेक करोगे तो बाकी में ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं आ रहा है, इसीलिए आंसर क्या हो गया, फर्स्ट वाला। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर वन, ये 2006 में क्वेश्चन आया था, ये केरला पीएमटी में। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर टू, इसमें हमें बताना है वही चार ऑप्शन, ये चार ऑप्शन है इसके, बताना है कि कौन सी रिएक्शन इसमें से रिडॉक्स रिएक्शन है। तो देखो स्टार्ट करते हैं, यहां पर जेनन जो है XeF2, तो फ्लोरीन माइनस वन होता है और जो जेनन है वो प्लस टू की फॉर्म में है, फ्लोरीन माइनस वन होता है तो फॉस्फरस यहां पर प्लस फाइव की फॉर्म में है। तो चलो इसको निकालते हैं, तो पी एफ सिक्स माइनस है, तो यहां से फॉस्फरस की अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं, फॉस्फरस को मैंने एक्स मान लिया, फ्लोरीन माइनस वन होता है कितने हैं छह, और टोटल चार्ज माइनस वन है, तो यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी फाइव, तो फ्लोरीन यहां पर ही प्लस फाइव की फॉर्म में है। देखो यहां भी फाइव है यहां भी फाइव है, तो ये तो आंसर होने वाला नहीं है। यहां पर अब इसके भी निकाल सकते हो, जेनन की भी प्लस टू आएगी। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, यहां पर जो जेनन है वो प्लस सिक्स की फॉर्म में है, और यहां से निकालोगे
तो ज़ेनन एक्स माइनस टू होता है ऑक्सीजन का और माइनस वन होता है फ्लोरीन का, कितने हैं चार, इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से निकालोगे तो ये प्लस सिक्स आएगा, तो ज़ेनन यहां पर भी प्लस सिक्स के फॉर्म में है। फ्लोरीन यहां माइनस वन है, यहां भी माइनस वन है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, दोनों तरफ ऑक्सीडेशन नंबर सेम आ रहा है। थर्ड देखते हैं, यहां पर ज़ेनन प्लस सिक्स के फॉर्म में है, ऑक्सीजन माइनस टू है और यहां फ्लोरीन माइनस वन है। यहां पर देखो अगर आप ज़ेनन का निकालना है, एक्स मान लिया, ऑक्सीजन माइनस टू होता है, दो ऑक्सीजन है, फ्लोरीन माइनस वन होता है, दो फ्लोरीन है, इज इक्वल टू जीरो। यहां से फिर से निकालोगे ज़ेनन जो है प्लस सिक्स आएगा, तो प्लस सिक्स से प्लस सिक्स कुछ नहीं हो रहा, तो ये भी आंसर नहीं है। इसको देखो ज़ेनन यहां पर प्लस फोर की फॉर्म में है और यहां पर जो ऑक्सीजन है, देखो ऑक्सीजन क्या है यहां पर फ्लोराइड के साथ है, तो ऑक्सीजन जो है यहां पर इट इज इन प्लस वन फॉर्म। बताया था ना कैसे निकालते हैं, देखो दोबारा से देख लेते हैं, ऑक्सीजन का निकालना है और दो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का निकालना है तो एक्स मान लिया, फ्लोरीन माइनस वन होता है, कितने हैं दो, इक्वल टू जीरो। यहां से एक्स कैलकुलेट करोगे तो प्लस वन आएगा, तो यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है, प्लस वन का चार्ज है, ज़ेनन के ऊपर प्लस फोर का चार्ज है। यहां पर ज़ेनन प्लस सिक्स में जा रहा है, ऑक्सीजन जीरो में है, तो यहां से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो प्लस फोर से सिक्स ज़ेनन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इट इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसके अलावा ऑक्सीजन प्लस वन से जीरो में जा रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये हमारे पास एग्जांपल है रिडॉक्स रिएक्शन का, ये हमारे पास चार ऑप्शन थे। और ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आया हुआ था बहुत ही रिसेंटली, आया हुआ है 2017 जेई में आया हुआ ये, ठीक है, तो जेई 2017 का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, नीट में भी क्वेश्चन ये आया हुआ है, तो एक बार जो जेई में आ जाता है मार्केट में वो सब जगह घूमता है, तो इंपॉर्टेंट है ये, पी ब्लॉक का क्वेश्चन है ये, वैसे रिएक्शन जो है पी ब्लॉक की रिएक्शन है क्लास 12 से, तो जो 12th वाले बच्चे होंगे उसको रिलेट कर पा रहे होंगे। सो इस तरह से हम पहचानते हैं कि कौन सी रिएक्शन रिडॉक्स है, कौन सी रिडॉक्स नहीं है। सिंपली क्या करते हैं उसका, हम सिंपली उसमें हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, अगर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, हमने सीखा ही है कैसे निकालते हैं, अगर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है तो इट इज रिडॉक्स रिएक्शन, और चेंज नहीं हो रहा है तो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। सो दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, ये AIEEE जो ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम जो इससे पहले हुआ करता था उसमें क्वेश्चन आया हुआ है, सेम बताना है कि इन चारों में से कौन सा रिडॉक्स है। तो देखो स्टार्ट करते हैं, यहां सोडियम प्लस वन में है, ये माइनस वन में है, यहां माइनस वन में है, यहां माइनस वन में है, सोडियम प्लस वन में है, तो हो नहीं सकता ये। दूसरा देखो कैल्शियम यहां प्लस टू की स्टेट में है, यहां भी प्लस टू की स्टेट में है, क्लोरीन माइनस वन में है, यहां भी क्लोरीन माइनस वन में है, तो ये भी नहीं हो सकता। कैल्शियम प्लस टू की स्टेट में, कैल्शियम प्लस टू की स्टेट में, क्लोरीन यहां माइनस वन में है, यहां भी माइनस वन में है। इसके अलावा एनएस थ्री देखोगे तो यहां पर ये माइनस थ्री की फॉर्म में है, और यहां पर देखोगे, चलो नाइट्रोजन के निकालते हैं, नाइट्रोजन का एक्स हाइड्रोजन वन इंटू फोर और क्लोरीन माइनस वन, तो यहां से निकालोगे यहां पर माइनस थ्री ही आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर क्या हुआ ये। तो चलो निकाल लेते हैं क्यों है, देखो यहां मैं सिल्वर का निकाल रहा हूं ऑक्सीडेशन स्टेट, तो पोटेशियम जो है वन होता है, सिल्वर का निकालना है मुझे, एक्स मान लिया मैंने, साइनाइड माइनस वन होता है, कितने हैं टू, इक्वल टू जीरो, तो यहां से निकालोगे तो इट विल बी प्लस वन, तो सिल्वर यहां प्लस वन की फॉर्म में है, जिंक जीरो की फॉर्म में है, तो जिंक जीरो से कहां, देखो सिल्वर यहां जीरो में आ जा रहा है, और जिंक यहां पर निकालोगे तो जिंक की यहां पर प्लस टू आएगी, तो जिंक जीरो से प्लस टू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इट इज ऑक्सीडेशन, और सिल्वर प्लस वन से जीरो में जा रहा है, क्या हो रहा है, कम हो रहा है, दैट इज रिडक्शन, तो आंसर इज फोर, फोर्थ इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जेई 2014 में आया था, हमें बताना है कि इन विच द H2O2 इट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो H2O2 की हमारे पास चार रिएक्शन दे रखी है और ये हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, हमें बताना है कि इन चारों रिएक्शन में से H2O2 जो है वो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट कहां कहां बिहेव कर रहा है। अब देखो रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ा हुआ हमने, सो रिड्यूसिंग एजेंट इज दैट विच रिड्यूसेस अदर एंड अंडरगो ऑक्सीडेशन इटसेल्फ, तो यहां पर जो परोक्साइड है, परोक्साइड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इट इज माइनस वन, तो सारे में जो परोक्साइड है इट इज इन माइनस वन स्टेट, तो इन चार ऑप्शन में जो ऑक्सीजन है उन सबके हमने ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिए हैं, या इट इज माइनस टू, यहां पर ऑक्सीजन नेगेटिव फॉर्म में तो जीरो, यहां माइनस टू, यहां पर जीरो। देखो हमें लिखना क्या है, जहां पर रिड्यूसिंग एजेंट बताना है, तो जहां पर H2O2 खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा हो, मीन्स उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा हो, यहां माइनस वन से माइनस टू कम हो रहा है, यहां तो रिड्यूस हो रहा है, हमें ऑक्सीडाइजिंग देखना है, यहां माइनस वन से जीरो, यहां पर बढ़ रहा है, तो यहां पर वो खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है। इसके अलावा माइनस वन से माइनस टू, यहां पर कम हो रहा है, तो ये नहीं हो सकता, पहला वाला भी नहीं हो सकता। फोर्थ वन माइनस वन से जीरो, यहां पर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो अगर खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो इन दो केसेस में जो H2O2 है इट इज एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो आंसर इज बी, दिस इज ए बी सी एंड डी, तो आंसर इज बी एंड डी, तो ऑप्शन हमारा जो करेक्ट है दैट इज डी। तो दिस इज अबाउट द क्वेश्चंस, तो ये छोटा सा टॉपिक था।
तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, इसके अलावा टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती हैं, और उनके ऊपर जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रखे हैं हमने वो देखे। ठीक है, आप इसको नोट्स बना लो और अच्छे से पढ़ते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।